हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फलन। फलन नी फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फलन एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, यानी कोई सेट है ए से बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, जैसे एफ सच दैट ए टेंस टू बी, यानी कि फलन कब कहलाएगा? जब ए का बी में, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उनका बी में संबंध हो और प्रत्येक एलिमेंट का संबंध हो। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर आपके सामने कोई एग्जांपल लेती हूँ मैं, ए बराबर में सेट में ले लिया ए और बी, एग्जाम्पल की बात करते हैं, और बी बी मेरे पास हो गया 1, 2 और 3, ये मैंने दो लिए। अब इसी में अगर मैं बात करूँ आपके सामने, मैंने ये ए बनाया ए के लिए और ये मेरे पास हो गया बी के लिए, ये तो ए ये बी। ए में कौन कौन से हैं? ए में ए और बी, कैपिटल बी में 1, 2 और 3, ये है हमारे पास। ए से इन्होंने क्या कहा है, ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय, प्रत्येक अवयव ए और बी का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी ए का एक से हो या ए का दो से हो या ए का तीन से हो प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये ना हो कि ए का एक दो तीन तीनों से बने, तीनों से बनेगा तो वो फलन नहीं होगा। ए का केवल एक से ही होना चाहिए, किसी से भी हो, बी का दो से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फलन। हमने एक को लिया एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए के मैंने एलिमेंट बना दिए ए और बी, बी के बना दिए एक दो तीन एलिमेंट आपके पास। ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रांत। और बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे सहप्रांत। और प्रांत के एलिमेंट से जो सहप्रांत के एलिमेंट के साथ जो इमेज बनती है तो वो एलिमेंट कहलाएंगे हमारे पास परिसर। लेकिन हम तो बात ये कर रहे हैं कि फलन है कि नहीं है। फलन के लिए हमारे पास ये कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज केवल एक, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें सहप्रांत में मिले और केवल एक इमेज हमें मिले। जैसे ए है, ए की हमें दो इमेज मिल गई, एक और दो, तो ये हमारे पास, हम इसको देखिए कह सकते हैं ये फलन नहीं है। दूसरा एक और ले, तो अगर मैंने एक ये बनाया, इसमें मेरे पास ए और बी है, इसमें एक दो तीन है। अब देखो एक की एक से बनी, ठीक है, यहां मैं देखो सी और डी भी ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। एक की एक से बन गई, डी की दो से बन गई और बी की तीन से बन गई, पर सी यहाँ नहीं है, सी की कोई इमेज नहीं बनी। तो आप ये कह सकते, क्योंकि प्रांत का कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, पर इमेज एक ही मिलनी चाहिए। यहाँ सी की कोई इमेज नहीं मिल रही, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है। इसी में देखिए, एक ऐसे फलन को जिनका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उनका कोई उपसमुच्चय हो, मेन हमें फलन में वास्तविक संख्याओं की ही बात कर रहे हैं अपन, तो परिसर के अंदर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक मान फलन कहते हैं। और यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो तो इसे वास्तविक फलन भी कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ आपको कि प्रांत और परिसर दोनों में ही अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वास्तविक
कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल को लेके चले, एन क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इन्होंने माना है। तो एफ सच दैट एन टेंस टू एन, यानी कि एन, ये वाला एन किसको बता रहा है? ए सेट को। और ये एन किसको बता रहा है? बी सेट को। ये ही तो है, यानी ए टेंस टू बी है, तो एफ सच दैट ए टेंस टू बी। तो यानी इस एन के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वह प्रांत को डिनोट करेंगे, और इस एन के जो भी एलिमेंट आएंगे वो परिसर को डिनोट करेंगे। तो इसमें देखिए, इन्होंने एक सवाल दे एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स। इन्होंने फंक्शन को क्या मान लिया? 2x+1, एक लीनियर इक्वेशन द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग, कौन सा, कौन सी परिभाषा होगी? वास्तविक फलन की प्रयोग करके हमें एक सारणी कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कह दिया हमें? एन बताया, एन इन्होंने कहा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन एन टेंस टू एन यानी कि आपके प्रांत और परिसर दोनों में ही क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं। तो फंक्शन इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन कहा है 2x+1, इसको सॉल्व करते हुए हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। ये हमें टेबल दे रखी है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमें देखो फंक्शन क्या दे रखा था, एफ सच दैट क्या दे रखा है? एन टेंस टू एन, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन में एफ एक्स बराबर 2x+1 थी। लीनियर इक्वेशन में हमें क्या दे रखी है? एफ एक्स बराबर 2x+1। यानी इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए एक्स बराबर 1, 2, 3, 4 रखते जाओ और एफ एक्स का मान निकालते जाओ। यदि मैंने यहाँ पे एक्स बराबर पहले 1 रखती हूँ तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? एक्स ये 1 रखा, 1 को 2 से करूंगी, 2, 2+1, 3। एक्स ये क्या रखा? 2। यहाँ 2 रखने में 2 का 4, 4+1 ये 5। f3 रखा, यानी एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? 3। 3 रखने पर 3 × 2 6, 6+1 7। एक्स की वैल्यू 4 रखने पर f4, एक्स की 4 रखा, 4 × 2 8, 8+1 9। अब 5 रख के देखो तो 5 रखने पर क्या जाएगा आपके पास? 11, यही आएगा। तो 3, 5, 7, 9, 11 ये आपके पास क्या आएगा? कंप्लीट टेबल हमारी। तो f1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3, f2 5, f3 7, f4 9, f5 11। ये देखिए, हमने एक तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्होंने क्या कहा था? n, n हमारे वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रखने पर हमें यहाँ पे भी क्या मिल रही है? वास्तविक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है? वास्तविक मान फलन।